दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी करेगी पेश। शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए रिमांड की करेंगी मांग। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में करेगी घेराव। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर लाया गया। देर रात ईडी ऑफिस में किया गया केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया केंद्र की तानाशाही रवैया। गोपाल राय ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर बीजेपी गलतफहमी में है। दिल्ली के मंत्री अतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र की हत्या, कहा कि फर्जी आरोप में गिरफ्तार किया। अतिशी ने बीजेपी को राजनीतिक लड़ाई लड़ने की चुनौती दी, कहा कि बीजेपी को लड़ना है तो सामने आकर लड़े, ईडी और दूसरी एजेंसियों का सहारा ना ले। अतिशी ने कोर्ट पर जताया भरोसा, कहा कि आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप ईडी ने बिना सबूत केजरीवाल को गिरफ्तार किया, घर की तलाशी में ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सौरभ भारद्वाज का दावा जेल से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की टीम गुरुवार को शाम 7 बजे केजरीवाल के निवास पहुंची। 2 घंटे की पूछताछ के बाद 9 बजे गिरफ्तार किया गया। ईडी की टीम ने केजरीवाल के घर की तलाशी ली। केजरीवाल के मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कब्जे में लिया। केरल में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एर्नाकुलम में देर रात सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमीन पर लेटकर जताया विरोध। मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस वैन में डालकर ईडी ऑफिस से बाहर ले गए। चेन्नई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देर रात सड़कों पर उतरे, हाथ में झाड़ू लेकर प्रदर्शन करते शामिल हुए। गिरफ्तारी के खिलाफ की गई नारेबाजी। हाईकोर्ट की ओर से गुरुवार को केजरीवाल को नहीं मिली राहत। अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। पंजाब के सीएम मान ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि केजरीवाल की सोच को कैद नहीं किया जा सकता है, आपकी बीजेपी को रोक सकता है। केजरीवाल के समर्थन में इंडिया अलायंस राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की, कांग्रेस के समर्थन का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज केजरीवाल से मुलाकात भी करने की कोशिश करेंगे, कानूनी मदद मुहैया करवाने का भरोसा दिया है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर ट्वीट किया, लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। केजरीवाल के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम को टारगेट करना गलत असंवैधानिक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया साजिश, लिखा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया, लिखा जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद वो क्या करेंगे किसी और को कैद। तेजस्वी यादव ने लिखा एनडीए सरकार ने राजनीतिक लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता को तार तार कर देश पर आपातकाल की घोषणा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया, कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश है। दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली का बयान, कहा कि हमने अपने गठबंधन के नेता के साथ मजबूती से खड़े होने का फैसला लिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया कानूनी प्रक्रिया, कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर के मामले में न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसा, कहा कि जो बबूल के पेड़ बोएगा वो आम कैसे खाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग, कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था, अब सारे घोटाले की पोल खुलेगी। कुमार विश्वास ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसा, लिखा कि सोशल मीडिया पर लिखा जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी के मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ किया केस दर्ज। लोकपाल ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होगी। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नाम की तीसरी लिस्ट। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस से सीईसी की बैठक में यूपी के 8 उम्मीदवारों के नाम तय। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमरोहा से दानिश अली हो सकते हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया। कोयंबटूर से के अन्नामलाई को टिकट मिला। चेन्नई साउथ से पूर्व गवर्नर तमिल साई सुंदर राजन को उतारा गया है। 23 मार्च को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। मुंबई की 6 सीटों के लिए कांग्रेस उद्धव में फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक मुंबई से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिलेगी। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट छोड़ा सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बताया देशद्रोही, कहा कि पीएम की तुलना औरंगजेब से करना दुर्भाग्यपूर्ण, जनता सिखाएगी सबक। नॉमिनेशन के बाद चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कठुआ में जनसभा को संबोधित किया, लोगों से की समर्थन की अपील। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक का हुआ आयोजन। मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहे मौजूद। कांग्रेस जनमत खो चुकी है, इसलिए कभी ईवीएम तो कभी खातों के बारे में बात करती है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निशाना। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ का चुनाव। लेफ्ट गठबंधन और एबीवीपी के बीच टक्कर। कानपुर में
सवारियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, बस में सवार कई लोग घायल हुए। अगरतला पुलिस ने 6 करोड़ का याबा टैबलेट बरामद किया, 2 लोग भी गिरफ्तार। इजरायली सेना का दावा, गाजा की शिफा हॉस्पिटल से अब तक 350 हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी पकड़े गए हैं। आईपीएल सीजन 17 का आज होगा रंगारंग आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा ओपनिंग मैच। चेन्नई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। मुकाबले से पहले शाम को 6:30 बजे होगी आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, एआर रहमान और सोनू निगम करेंगे परफॉर्म।